सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज मैं वापस ला चुका हूँ एक सोलो वी स्क्वाड की गेम प्ले। तो गाइस, ये जो गेम प्ले, ये काफ़ी इंटेंस गेम प्ले, बहुत मज़ा आया मुझे इस गेम को खेलने में। काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्क्वाड आई थी। और गाइस, मैं कोशिश करूँगा इस वाली वीडियो में आपको कमेंट्री करके बताऊँ सिचुएशन, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में सब टाइटल्स डाले थे, बट बहुत बंदों का कहना था कि आप थोड़ी सिचुएशन बताओ पहले जैसे, तभी देखने में मज़ा आता है। तो गाइस, मैं आज पूरा ट्राई करूँगा आपको सिचुएशन बताने की। तो गाइस, आप देख सकते हो मैं टावर पे गया था और टावर लूटा मैंने। वहाँ पे मुझे एक SKS और S12K मिली। तो मैंने रश नहीं करता हूँ इन गनों से, क्योंकि मुझे एक चाहिए थी लेवल 2 की वेस्ट, अनटिल मैं रश करूँ या फिर अगर अच्छी गन मिल गई तो मैं लेवल 1 की सही कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे M4 मिल गई थी। तो गाइस, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं स्नाइपर राइफल्स क्यों नहीं यूज़ करता। तो गाइस, जब भी आप सोलो वी स्क्वाड खेलते हो, अगर आपके पास एक स्नाइपर राइफल है और आपकी जो प्राइमरी गन है AR, वो रिलोडिंग पे लग गई, तो गाइस बहुत प्रॉब्लम होती है स्क्वाड वाइप करने में या फिर जब स्क्वाड आ जाती है सामने। तो यही रीज़न है गाइस, मैं स्नाइपर यूज़ नहीं करता। बट अगर आप देखना चाहते हो मेरे स्नाइपर के कुछ शॉट, मैं थोड़ी बहुत चला लेता हूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो गाइस, आप यहां पे देख सकते हो यहां पे पूरी फाइट खत्म हो गई थी, सिर्फ एक स्क्वाड बची थी और यहां पे दो बंदे आ जाते हैं। तो मैं वेट करता हूं कि इनकी एक स्क्वाड जो है वो पूरी की पूरी कायम है, अभी इन पे शूट नहीं करता। मैं वेट करता हूं पूरी स्क्वाड को बाहर आने का। तो गाइस, इन दोनों बंदों को मैं नॉक कर देता हूं और फिर मैं वेट करता हूं कि इनकी स्क्वाड कहां पर है, पूरी स्क्वाड बाहर आए। बट यहां पर मैं, तो यहाँ पर ये बॉट आ जाता है, मुझे लगता है कि ये इनका थर्ड प्लेयर है, बट ऐसा होता नहीं है, ये बॉट होता है। मैं स्टिल सर्च करता हूँ कि कहाँ पर है इनकी जो दो बंदे बचे हुए हैं, या फिर जो भी एक बंदा बचा हुआ, दो बंदे बचे हुए हैं। तो मैं सीधा जाता नहीं हूँ वहाँ पे उनको फिनिश करने, हो सकता है वो वेट कर रहे हो। तो गाइस, जब मैं इनके पास जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये लोग रैंक पुश कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इनको मार दूँ, क्योंकि इनकी अच्छी खासी रैंक चली जाए, या फिर ये लोग इतनी मेहनत से स्टार्टिंग में रैंक पुश कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि इनके पॉइंट्स गिर जाए। तो मैं छोड़ देता हूँ, वेट करता हूँ कि इनकी टीममेट आके रिवाइव कर दें। बट गाइज, अनफॉर्चुनेटली ये लोग ब्लीड हो चुके थे, तो ये लोग मर जाते हैं। मैं वापस आता हूँ इनके पास, ये बंदा जब तक कुछ कहता तो ये तो डेड हो चुका था, ये सारी लूट देता आपकी। ऑलरेडी मेरे पास फ्लेयर थी, तो मुझे फ्लेयर भी चलानी थी। तो आप देख सकते हो राइट से मेरे एक गाड़ी जाती है, तो मैं सोचता हूँ कि उस गाड़ी का पीछा करूँ, यहाँ पे वेट करूँ, रुक के देखता हूँ कि वो गाड़ी एक्चुअली गई कहाँ पर या रुक गई मेरे को देख कर। तो गाइस, वो गाड़ी तो रुकती नहीं है, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आगे जाके एक स्क्वाड देखूंगा। तो गाइस, जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे पीछे एक और गाड़ी थी और वो लोग मुझे स्पॉट कर लेते हैं, और वो लोग अब मेरे पे रश करने की ट्राई कर रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था। तो जी हाँ गाइस, वो लोग मेरे पे रश कर चुके थे। अब आप पूरी फाइट देखते, तो गाइस यहाँ पे पूरी स्क्वाड वाइप कर देता हूँ मैं, चारों के चारों बंदे डेड कर देता हूँ। बट इतने में पीछे से एक गाड़ी आती है, और गाइस यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी गलती कर देता हूँ, अभी आप देखना।
वो एरिया क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि स्क्वाड हाउस में ऑब्वियसली बंदे थे, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे स्क्वाड हाउस में बंदे हैं तो मैं इन पे किस तरह से रश करूँ। तो मैं नीचे की तरफ चला जाता हूँ, यहाँ पे जो रिवर होती है, यहाँ पे जो नदी होती है। तो गाइस इन दोनों को मारने के बाद मेरे पास जो फ्लेयर थी, मेरे पास चार फ्लेयर थी। जी हाँ गाइस, मेरे पास चार फ्लेयर थी, तो मैं चार फ्लेयर ड्रॉप मंगा सकता था। तो जोन आने से पहले मैं सारी की सारी शूट कर देता हूँ। और गाइस मुझे पता था, मैंने फ्लेयर चलाई है, 100% बंदे आएंगे यहाँ पे, क्योंकि चार फ्लेयर चलाई है, हर तरफ दिखा होगा। तो गाइस मैं स्क्वाड हाउस में चला जाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ ऊपर से कोई बंदे आ तो नहीं रहे, और साथ ही साथ ड्रॉप को भी देखता हूँ, अपने ड्रॉप का वेट करता हूँ। तो गाइस ये बंदा अकेला बचा होगा, ये भाग के आ रहा था, उसको लगा कि मेरा ध्यान ड्रॉप्स पे होगा, बट ऐसा नहीं है। मैं पूरा देख रहा था कि बंदे कहाँ है, कहाँ नहीं, कहाँ से आएंगे। तो गाइस इतने में एक और जो पीछे की सिटी होती है वहां से गाड़ी आ जाती है। तो गाइस यहाँ पे ये स्क्वाड में पूरी की पूरी वाइप कर देता हूँ जब तक ये लोग ड्रॉप पे पहुँचते, उससे पहले ही। तो गाइस जब मैं स्क्वाड हाउस पे था, आपने देखा होगा कि एक पूरी स्क्वाड थी वहाँ पे। तो गाइस मैं वहाँ पे जोन प्रेफर करता हूँ और मैं जोन में आ जाता हूँ। तो गाइस वही लोग मेरे पे रश करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोग जीप लेके आ रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं एक अपनी ट्रिक लगाने की कोशिश करता हूँ, मुझे साउंड आ चुकी थी बट एंगल निकालने के लिए मुझे, मैं इसके पीछे जाता हूँ, आप देख सकते हो गाइस। तो बूम गाइस आप देख सकते हो, मैंने इजीली इन दोनों बंदों को भी मार दिया। इस बंदे को तो बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा, इसको जब तक चलता हूँ जोन पे, तो मुझे यहाँ पे ड्रॉप पे एक बंदा दिखता है। तो गाइस इसको मैं हेडशॉट मार के पूरा किल कर देता हूँ। तो गाइस आप लोगों के लिए मैंने स्नाइपर उठा ली थी, क्योंकि काफी बंदे बोलते कि आप स्प्रे तो अच्छा करते हो बट हमको थोड़ी स्नाइपिंग स्किल्स दिखाओ। तो गाइस मैं स्नाइपर इतनी अच्छी नहीं चलाता, बट स्टिल मैंने आप लोगों के लिए ट्राई करी कि थोड़ी बहुत स्नाइपिंग चलाऊं। तो गाइस इसीलिए मैंने वहां से AWM उठा ली, ऑम उठा ली वहां से। तो गाइस अब टोटल 12 बंदे बचे थे यहाँ पे, और जोन थोड़ा छोटा हो चुका था बट स्टिल अभी भी थोड़ा बड़ा था। तो यहाँ पे मैं वेट करता हूँ गाइस, आगे शॉट्स आ रहे थे कि किसी का एंगल है कि नहीं, और इतने में यहाँ से एक गाड़ी पास होती है। तो गाइस ऑलमोस्ट एक बंदे को मैं गिरा ही देता, अगर मेरे पे M4 होती तो शायद मैं गिरा देता AWM को शॉट। तो गाइस पता नहीं ये वाला शॉट रजिस्टर नहीं होता उसको, या फिर ये कुछ मेरे से लगा नहीं ये शॉट का, पता नहीं। मुझे तो परफेक्ट हेडशॉट लग रहा था, मैं शूट कर देता हूँ बट शॉट रजिस्टर नहीं होता है वहां पे। बट उन लोगों को अब पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई बंदा है, तो वो लोग मेरे लिए बिल्कुल पूरे रेडी रहते हैं। तो मैं पूरा स्मोक करके, क्योंकि अभी तक मैं जोन में नहीं था, मुझे 15 मीटर जोन के अंदर जाना था, तो वो लोग मेरा पूरा वेट कर रहे थे, पूरे चार के चार दिखे थे मेरे को। तो गाइस अभी मैं धीरे धीरे जोन की तरफ निकल लेता हूँ, और उन लोगों ने भी स्मोक कर दिया था ऊपर। तो गाइस जब मैं जोन में भाग रहा था, तो वो बंदा मुझे वापस देख लेता है। अब उसको क्लियर मेरी पोजीशन पता थी कि मैं कहां पर हूं, तो अब मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होने वाली थी कि जोन में आखिर जाऊं कैसे। बट
गाइस ऊपर क्या होता है वहां पे फाइट हो जाती है उनकी, तो ये मेरे लिए अच्छा चांस रहता है जाने का थोड़ा और आगे। मैं नेड वेड फेंक के ट्राई करता हूँ कि इस बंदे को टेक डाउन कर लूँ, क्योंकि बिल्कुल ओपन है, मैं जाऊंगा मारा जाऊंगा। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे नेड्स पहुंचते नहीं है वहां तक। स्किन कर लेता हूँ उस बंदे का जो नॉक पड़ा था, किसी ने किया था वहां पर। तो गाइस अब मैंने रश कर दिया था अंदर, आप देख सकते हो एक एचपी का बचा हूं मैं यहाँ पे। मैं फटाफट ही करता हूँ क्योंकि स्मोक ऑलरेडी आ चुका था, पर अब मैंने रश कर दिया तो अब मैं रुक नहीं सकता था। बिल्कुल सामने ओपन था, आप देख सकते हो उसका बंदा आ चुका था। मुझे पता था कि ये रिवाइव देगा ऑब्वियसली, तो मैंने फिर से रश कर दिया।